Assalamualaikum class, this is unit 1, the restaurant of class 3, Oxford Reading Circle. Today I will do reading for you of this chapter, page number is not mentioned, but I guess it is page number 9, it's mentioned over here, page number 9. The restaurant. Amna lived with her parents in a small apartment. building on a busy street close to the center of the town. Amna apne parents ke saath rehti thi. Ek building thi, flat tha, apartment tha usme. Aur busy street thi, yani bahut busy road tha aur aisi gali thi jahan लोगों का रश लगा रहता था आना जाना और सेंटर ऑफ द टाउन यानी शहर के बीच में. हर मदर एंड फादर वर्क हार्ड एट देयर जॉब्स. उनकी अम्मी और अब्बू दोनों जॉब करते थे और दोनों बहुत मेहनत से जॉब करते थे, काम करते थे. एंड आमना वर्क हार्ड एट स्कूल. आमना अपने स्कूल में बहुत मेहनत से पढ़ती थी. ड्यूरिंग द वीकेंड, जब छुट्टी हुआ करती थी वीकेंड वाले दिन, आमना पेरेंट्स हैड अ लॉट टू डू. छुट्टी वाले दिन आमना के अम्मी अबू को बहुत सारे काम होते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा काम होते थे घर के. ऑन सैटरडेज वन ऑफ देम टुक आमना टू द लाइब्रेरी. सैटरडे को हर हफ्ते को उनमें से कोई भी आमना को लाइब्रेरी लेकर जाता था. एंड देन टू हर जिमनास्टिक्स क्लास. और फिर वो जिमनास्टिक की क्लास में भी लेके जाते थे. वाइल द अदर वेंट शॉपिंग फॉर फूड. और उनमें से एक जो थे अम्मी या अबू, वो उन दोनों में से एक शॉपिंग के लिए चले जाते थे फॉर फूड, खाने की शॉपिंग के लिए. देन दे वुड डू द हाउस होल्ड चोर्स. कहते हैं कामों को, हाउस होल्ड कहते हैं घर के. तो वो उन फिर वो सब घर के कामों में बिजी हो जाते थे. स्पीक टू रिलेटिव्स ऑन द टेलीफोन. फिर अपने तमाम रिश्तेदारों से बातचीत भी करते थे टेलीफोन पर. एंड स्पेंड अ लॉन्ग टाइम प्रिपेयरिंग फूड. और काफ़ी टाइम लगाते थे खाना बनाने में, अच्छा सा खाना बनाते थे फैमिली के लिए. आमनास मदर लाइक टू मेक लॉट्स ऑफ करी. उनकी अम्मी को शौक था सालन बनाने का ना, काफ़ी सारे. एंड डिवाइडेड अप टू इन टू पोर्शंस सो दैट शी कुड हीट अप द फूड क्विकली एवरी नाइट आफ्टर वर्क. और वो खूब सारे खाने बनाकर ना फ्रीज कर लिया करती थी ताकि, और डिवाइड कर लिया करती थी पोर्शंस में, तकसीम कर लिया करती थी ताकि जब वो काम से वापस आएँ तो उसको गर्म करें और खाएँ. हर रात हर फादर लाइक्ड फूड बट ही कुड ओनली कुक वन रेसिपी. उनके अबू को खाना खाने का शौक था लेकिन वो एक ही रेसिपी बना लिया करते थे.